अगर आप इंस्टेंट पर्सनल लोन लेने वाले हो या ऑलरेडी ले चुके हो देन दिस वीडियो इज सुपर इम्पोर्टेंट फॉर यू। आरबीआई ने 15-20 दिन पहले बहुत सारी नई नई गाइडलाइंस निकाली हैं, गाइडलाइंस विच दीज कंपनीज शुड स्टार्ट फॉलोइंग इमीडिएटली। तो इस वीडियो में हम 6 ऐसी गाइडलाइंस के बारे में बात करेंगे जिससे आपकी लोन की जर्नी कंप्लीटली बदल जाएगी। तो हमारी सबसे पहली गाइडलाइन है टोटल एनुअल परसेंटेज रेट APR, विच कंप्राइजेस द टोटल इंटरेस्ट रेट ऑन अ लोन, फीस, ऑर्गेनाइजेशन चार्जेस, एजेंसी फीस एंड एनी अदर चार्जेस रिलेटेड टू सर्विसिंग दी लोन। यार ये तो हम सबको पता है कि जो भी कंपनीज अपनी वेबसाइट या ऐप पे इंटरेस्ट रेट दिखाती हैं और जब आप सच में लोन लेने जाते हो तो उसमें बहुत फर्क होता है। मोरओवर इंटरेस्ट रेट के साथ साथ बहुत सारे ऐसे हिडन चार्जेस होते हैं जो कि एक एवरेज कस्टमर को नहीं पता होते। आरबीआई की इस गाइडलाइन के बाद सब कुछ चेंज होने वाला है। अब कंपनीज को अपने कस्टमर्स को क्लियरली बताना होगा कि उनका कितना इंटरेस्ट रेट चार्ज होगा इंक्लूडिंग ऑल दी अदर हिडन चार्जेस। ऑनेस्टली दिस इज अ वेरी वेलकम चेंज फॉर मोस्ट ऑफ द कस्टमर्स। अब एटलीस्ट आपको क्लियरली पता होगा, क्लैरिटी होगी आपको कि कौन सा लोन महंगा है और कौन सा एक्चुअली सस्ता। वेल ये तो बात हो गई इंटरेस्ट रेट्स की। आरबीआई की सेकंड गाइडलाइन इज मेकिंग ऑल दी कंपनीज आंसरेबल टू इट्स कस्टमर्स। Let me tell you how. To raise their grievances and complaints, borrowers can reach out to nodal grievance redressal officers engaged by the regulated entities and the LSPs. A borrower can also complain against their digital lending mobile app. The details of the officers will be there on the websites of the regulated entity, LSPs and the app. The complaint should be resolved within 30 days of time. In case when the complaint is not resolved within 30 days, the borrower can directly reach out to RBI. इसमें LSPs का मतलब है लोन सर्विस प्रोवाइडर। यार हमारे पास ऐसे बहुत सारे DMs आते हैं, बहुत सारे messages आते हैं saying कि यार हमारे लोन में कुछ गड़बड़ हो गई है, now we are trying to reach out to the company, हम उनको मेल पे मेल लिख रहे हैं बट वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। But this is all set to change now. As per RBI, अब सारी जो लोन कंपनीज हैं उनको अपनी वेबसाइट या एप्स पे कंप्लेन का एक ऑप्शन डालना होगा, कंप्लेन रेज करने का ऑप्शन डालना होगा। एंड अगर कस्टमर की कंप्लेन 30 डेज में रिजॉल्व नहीं होती है देन द कस्टमर कैन डायरेक्टली गो टू आरबीआई एंड रेज अ कंप्लेन देयर। यार हमें ऐसा लगता है कि कंपनीज इसका भी ना कुछ वे आउट ढूंढ लेंगी, बट वी स्टिल फील दैट कंपनीज में थोड़ा सा तो डर रहेगा क्योंकि आरबीआई को अगर मल्टीपल कंप्लेन्स हो गई आपके बारे में देन दे हैव द अथॉरिटी टू इवन कैंसिल योर license. Next wala regulation is also super important. Lenders cannot access borrowers' mobile phones, resources such as files and media, contact lists, call logs and telephony functions. One-time permission to access a borrower's camera, microphone and location among other necessary facilities can be taken but only for the purpose of onboarding and KYC requirements. Yeah, this wali guideline ka aana sakht zaruri ho gaya tha. We have heard so many stories of user data being stolen and then being misused for random purposes. Humne ye bhi suna hai ki bahut sare log jab apni EMI loan ki EMI miss kar dete the to unke relatives and friends ke paas phone chale jate the, jo ki is guideline ke baad nahi hoga. Companies अब कस्टमर का KYC करने के बाद उनके फोन का एक्सेस नहीं रख सकती, दैट इज नॉट अलाउड। कंपनीज बस वन टाइम परमिशन लेके उनका KYC कर सकती है बट किसी और पर्पस के लिए दे कैन नॉट आस्क फॉर देयर कैमरा, कॉन्टैक्ट लिस्ट, लोकेशन एटसेट्रा एटसेट्रा। बट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस रेगुलेशन में कहीं भी ये नहीं लिखा कि कंपनीज आपसे डेटा फिर से नहीं मांग सकती। इसके लिए आरबीआई ने अलग से गाइडलाइन निकाली है। The purpose for obtaining and accessing a borrower's data has to be disclosed at each stage to the borrower. For sharing any data with third parties, explicit consent has to be taken unless it's a statutory or regulatory requirement. अगर कंपनी आपसे फिर से डेटा मांगती है देन कंपनी को आपको स्पेसिफिकली बताना होगा कि वो किस पर्पस के लिए आपसे डेटा मांग रही है एंड कंपनीज cannot lie here because RBI ये सारे इंफॉर्मेशन ऑडिट कर रहा है। अगर आप इस गाइडलाइन की सेकंड पार्ट को देखेंगे देन वहां पे स्पेसिफिकली मेंशन है कि कोई भी कंपनी आपका पर्सनल डेटा किसी भी थर्ड पार्टी के साथ शेयर नहीं कर सकती अनलेस यू हैव गिवन द परमिशन टू डू सो। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे यार ये इन लोगों के लिए अच्छा है जिनको अभी लोन लेना है या जो अभी अप्लाई करेंगे, बट मैं तो ऑलरेडी लोन ले चुकी हूँ या मैं तो ऑलरेडी लोन ले चुका हूँ, मेरी तो इन्फॉर्मेशन सारी कंपनीज के पास जा चुकी है, मेरा क्या फायदा। आप लोगों को भी डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है, आरबीआई ने इसके लिए भी एक अलग से गाइडलाइन निकाली है। A borrower will have the option to accept or deny consent for the use of specific data, including the option to revoke previously granted consent, besides an option to delete the data collected from borrowers by the lending apps or LSPs. A borrower should only engage with authorized and trusted lending apps. If you have already taken a personal loan, then in the course of next few months, aapko notifications aani shuru ho jayengi from these companies.
बेसिकली आरबीआई ने इन सारी कंपनीज को कहा है कि उनके पास जितने भी कस्टमर्स से परमिशन लिए है उसको एक बार फिर से रिफ्रेश करना है। आपके पास अभी कंपनीज फिर से परमिशन भेजेंगी एंड आपके ऊपर है कि आप इसको एक्सेप्ट करते हो या डिनाय। आप अपना डेटा देने से मना भी कर सकते हो एंड अगर आपने अपना डेटा देने से मना कर दिया देन आपका प्रीवियसली स्टोर डेटा जो भी है इन कंपनीज के पास वो उन कंपनीज को डिलीट करना पड़ेगा। अब आपके ऊपर है, आपको सोच समझ के डिसाइड करना है कि आपको कौन सा डेटा देना है और कौन सा नहीं। यार ये तो बात हो गई डेटा प्राइवेसी की, बट व्हाट इफ आप EMIs अपनी मिस कर दो या आप अपनी EMIs पे डिफॉल्ट ही कर दो। RBI ने ये तो बोला था कंपनीज के नॉट कॉल योर फ्रेंड्स और रिलेटिव्स, लेकिन RBI ने ऐसा तो नहीं बोला दैट दीस एजेंट्स के नॉट कम टू योर हाउस। बहुत सारी ऐसी स्टोरीज हुई हैं, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहां पे एजेंट्स एंड कस्टमर्स का जो भी एक्सपीरियंस रहा है आमने सामने दैट हैज नॉट बीन वेरी गुड। इस सिचुएशन को टैकल करने के लिए भी आरबीआई ने एक गाइडलाइन निकाली। टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द लोन रिकवरी मैकेनिज्म इंक्लूडिंग द डिटेल्स ऑफ द लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर दैट विल एक्ट एज द रिकवरी एजेंट। सो बेसिकली जब आप लोन डॉक्यूमेंट्स पे साइन करोगे तो आपके पास वहां पे क्लियरली लिखा होगा दैट हाउ विल दीज कंपनीज रिकवर द लोन फ्रॉम यू। उसमें क्लियरली ये भी लिखा होगा कि कौन सी एजेंसी आपसे कॉन्टैक्ट करेगी लोन रिकवरी की प्रोसेस के लिए। अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन बिफोर हैंड रहेगी देन एज अ कस्टमर यू कैन बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर द रिकवरी प्रोसेस एंड होपफुली इट विल नॉट बी एज पेनफुल एज इट इज राइट नाउ। आरबीआई ने ऐसे बहुत सारी और भी गाइडलाइंस निकाली है बट कस्टमर पर्सपेक्टिव से दीज वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। कमेंट सेक्शन में हमें बताइए व्हाट डू यू फील अबाउट दीज गाइडलाइंस। अंटिल देन बी किफायती।